250 रुपीज में पर डे इंडियन करेंसी के हिसाब से रूम बुक किया है। मामा हमारे यहाँ के मामा। I'm from India. अच्छा, जय हो। जय हो। आपकी प्रजाति आज भी जिंदा है भाई। यहाँ पे सिंगल है ऐसा फील हो रहा है। ये प्रजाति टिकटॉक वाली इंडिया में विलुप्त हो चुकी है, पर यहाँ पे अभी भी ये प्रजाति चल रही है टिकटॉक वाली। You make TikTok? Yeah, we make TikTok, but we're not. We do like vlogs and videos. So. Use Sagar Vlog, subscribe. What is up guys? आदाब, सत श्री अकाल, गेम शो, जय महाराष्ट्र। मैं आपका होस्ट और दोस्त पीयूष सहगल लेके आओ फिर से एक न्यू वीडियो। अभी हम जा रहे हैं गार्डन ऑफ ड्रीम्स में। फिर से आपको मैं पूरा वीडियो दिखाऊंगा कैसा होने वाला है कैसा नहीं। और अभी तो जल्दी जाऊंगा क्योंकि आज मुझे दो वीडियो कवर करनी है, पर इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको गार्डन ऑफ ड्रीम्स के बारे में ही बताऊंगा। बहुत अच्छा गार्डन है ये तो। एक्चुअली ये महेंद्र सिंह जी का गार्डन है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, जिनके म्यूजियम में हम इसके पहले वाले वीडियो में देख गए थे। तो अगर आपने उनका वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में ऊपर आ रहा होगा, वो भी आप चेक कर लो। तो मैं थोड़ा सा लुक दिखा दूँ अपने रूफ टॉप का। यहाँ पे हम लोग बैठते हैं, मतलब हॉस्टल का ही रूफ टॉप है ये। बहुत सेक्सी है, मैंने मात्र बिलीव नहीं करोगे, 250 रुपीज में पर डे इंडियन करेंसी के हिसाब से रूम बुक किया है। मतलब लाइक वो डॉम है आई गेस, पर जैसा भी है यार, मतलब अगर इफ़ यू आर ट्रैवलिंग सोलो तो मेरे हिसाब से तो डॉम ही बेस्ट है आप लोगों के लिए। वेट, लेट मी शो यू द व्यू। तो गाइस एज यू सी, मैं यहाँ से अभी निकलने वाला हूँ। तो बस ये ब्रेकफास्ट मेरा आ चुका है, पोहा जो मैंने इंडिया से लेके आया था, आपने जो देखा नीचे पैकेट। क्योंकि यार यहाँ पे थोड़ा सा मतलब कोई कोई चीज़ें हैं जो मैं मतलब खा नहीं पाता हूँ, तो यार थोड़ा इंडिया से जुड़ा हुआ ना तो वहाँ का फूड थोड़ा ज़्यादा ही पसंद है। तो मेरी गाड़ी आ चुकी है भैया के साथ में, एंड वी आर गोइंग टू गार्डन ऑफ ड्रीम्स। तो मैं आपको गार्डन ऑफ ड्रीम्स के बारे में थोड़ा बता दूँ। ये गार्डन ऑफ ड्रीम्स है ना, मतलब यूनेस्को मतलब वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया इसे। जैसे मैंने आपको दरबार स्क्वायर बताया था, ठीक उसी तरह इसे भी यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज लाइक साइट घोषित कर दिया है। और ये गार्डन बहुत ब्यूटीफुल है। तो एज आई से यहाँ का मतलब वेदर बहुत ही कूल, लाइक मतलब यहाँ पे ठंडी है ही नहीं। अगर कोई दिल्ली में होगा अभी या मुंबई में होगा तो यहाँ पे लाइक वो उसके लिए बेस्ट प्लेस है। यहाँ पे एक मतलब गर्मी कुछ भी नहीं है, बारिश आ रही है, शाम को ठंडा लग रहा है। हम लोग इतनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी रजाई लेकर के सोते हैं रात में, पता है आपको, बिलीव नहीं करोगे तो आज मैं वो भी दिखा दूंगा आप लोगों को। आप देख सकते हो गार्डन ऑफ ड्रीम्स का, और कैसर कैफे है इसके अंदर, बहुत ब्यूटीफुल कैफे है, वो भी आपको दिखाऊंगा। दिस इज द मेन एंट्रेंस ऑफ कैफे। तो एज अ रिस्ट कैफे, अभी टिकट के रेट्स आपको मैं दिखा दूँ कितने हैं कितने नहीं है, क्योंकि अभी तो कैसे अंदर में बहुत ब्यूटीफुल कैफे कॉल्ड कैसर, वो भी आपको बताऊंगा। तो गाइज फाइनली आपका भाई अंदर आ चुका है, और गार्डन ऑफ ड्रीम्स आप देख सकते हो बहुत सुंदर है यार, मतलब इतना सुंदर है। यहाँ पे आपको 7 टाइप के सीजन्स देखने मिलेंगे, इस गार्डन की यही स्पेशलिटी है। हाँ, आपने सही सुना, यहाँ पे आप 7 टाइप के अलग अलग सीजन्स महसूस कर सकते हो, लाइक विंड, ह्यूमिडिटी, मीन्स अलग अलग जो जितने भी आपके सीजन थे, बारिश,
यहाँ पे सब कुछ आपको देखने मिलेगा। और यहाँ का गार्डन जो है ना यार बहुत लैविश है, मतलब इतना लैविश है मैंने जो सीरियसली बताऊँ, मतलब बहुत प्रीटी गार्डन है। इसलिए इसको यूनेस्को ने लाइक हेरिटेज साइट घोषित कर दिया है। यहाँ पे मतलब बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, एज यू कैन सी यहाँ पे मेरे पीछे ही इतने सारे टूरिस्ट हैं यहाँ पे। तो ये बेसिकली मीन्स ये गार्डन इसके मतलब लाइक हरियाली के लिए बहुत अच्छा। और इसके अंदर एक कैफ़े है, इट्स कॉल्ड कैसर, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा, वो भी बहुत फेमस कैफ़े है यहाँ का। और यहाँ के लोग भी बड़े फ्रेंडली है नेपाल के स्पेशली, मैं आपको बता दूँ। हाँ कहीं कहीं पे लूटते हैं वो बात सही है, पर कहीं कहीं पे बहुत अच्छे लोग हैं, और स्पेशली यहाँ पे जो फॉरनर्स घूमने आते हैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि आप नेक्स्ट टाइम कभी आओगे तो एक बार मतलब इस लोकेशन पे आप एक बार विजिट करना, गार्डन ऑफ वंडर्स में, और बहुत ही बहुत अच्छा पार्क है। कैसे हो? सब बढ़िया। Where are you from? मैं कनाडा से हूँ। कहाँ से? कनाडा में से हूँ। कनाडा? ओके, आई एम फ्रॉम इंडिया। अच्छा, जय हो। जय हो। जय हो। बाय बड़ी। बाय। तो अभी हम जहाँ खड़े हैं आप देख सकते हो मेरे पीछे बहुत अच्छा लाइक एक फाउंटेन बना हुआ है, बहुत मतलब क्लीन, मतलब यहाँ पे इतना अच्छा है ना, इन लोगों ने इस चीज़ को मतलब स्पेशली, मतलब मैं इंडिया को भी इस चीज़ बोलना चाहूँगा, जैसे इंडिया में अपनी साफ़ सफाई हो रही है, स्वच्छ भारत बन रहा है, वैसे नेपाल में बहुत पहले से है। यहाँ पे लोग मतलब लाइक आप रोड पे यहाँ पे टॉयलेट भी नहीं कर सकते हो, तो ये चीज़ यहाँ पे इन लोगों ने बहुत अच्छी बनाई है। मतलब क्या बताऊँ कि बेस्ट साइट है, अगर आप कभी भी यहाँ पे विजिट करोगे तो गार्डन ऑफ ड्रीम्स से बस सच में विजिट करना यार। मैं इतनी बार बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये प्लेस कितनी ब्यूटीफुल है। हम स्पेशली टिकटॉकर्स के लिए तो बहुत ज़्यादा, मैं आपको एक दो टिकटॉकर्स भी दिखाऊंगा यहाँ पे, बहुत सारे मात्रा था उनको देख करके। और हाँ, यहाँ पे टिकटॉक बैन नहीं है नेपाल पे, पहले आपको बता दूँ। तो जिन इंडियन फॉलोअर्स के, अभी आप समझ रहे हो कि किन को बोल रहा था मैं, जिन इंडियन फॉलोअर्स के मिलियन में व्यूज़ होंगे वो यहाँ पे आके अपना टिकटॉक फिर से एक्टिवेट कर सकते हैं। मेरे पीछे आप जो देख रहे हो वो इनका मतलब जो शायद पहले कैसल जैसा होता था वो है वो, अभी तो शायद ये बंद है, अंदर जाने की एंट्री नहीं है किसी को। सो इतना ब्यूटीफुल गार्डन दिखाने के बाद में मैं आपको थोड़ा इसका ऊपर से भी थोड़ा व्यू दिखाऊंगा। यहाँ पे स्टेयर्स है बहुत सारी, दिस इज द स्टेयर्स। प्लेस टू से तो मैं और एक बार बता दूं कि मेरे को लगा 100-200 रुपये टिकट है, पर यहाँ पे नेपाली करेंसी के 400 रुपीस टिकट है यहाँ के अंदर की। तो वेन एवर यू आर कमिंग हियर, आपको बता दूं मैं कि यहाँ पे आपको अगर टिकट लेनी है तो अगर आप फॉरेनर हो तो आपको यू वांट टू गेट सम लाइक 200 रुपीस नेपाली, ठीक है? तो 200 रुपीस रुपये में आपको टिकट मिलेगी यहाँ पे प्रॉपर पूरा। हाँ सुंदर है, वसूल है वैसे वो 200 बोलो 400 रुपीज़ की टिकट पड़ेगी। और आप मतलब यहाँ पे पूरा घूम सकते हो, हर एक चीज़ है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाई, यहाँ पे फाउंटेन है, फोटोशूट है, और टिकटॉक खोलोगे तो भरमा रही है यहाँ पे। यहाँ पे टिकटॉक बैन नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे हर लड़की हर लड़का मोस्टली टिकटॉक ही चल रहा है यहाँ पे। और मुझे भी तुम्हारे भाई पे बहुत मतलब देख रहे हैं, बट स्टिल और यहाँ पे लड़कियाँ बहुत है, मीन्स जहाँ पे भी मतलब मैं जाऊँ मेरे को तो कपल्स और लड़कियाँ ही दिख रही है, बस तुम्हारा भाई यहाँ पे सिंगल है ऐसा फील हो रहा है। क्या बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हैं। इस बारे में मैं थोड़ी सी मतलब छोटा सा रिकैप देना चाहूँगा। गार्डन ऑफ ड्रीम्स में जहाँ थामेल में रहता हूँ वहीं पे ही है, अप्रॉक्सीमेटली 1200 मीटर्स। तो आप जब भी मतलब लाइक यहाँ पे आते हो तो आप लाइक पैदल भी आ सकते हो, स्पेशली जैसे बाकी आते हैं,
और अगर आप लाइक आपको अगर थोड़ा लेट हो रहा है चलने में थोड़ी तकलीफ है 1.5 किलोमीटर तो यू कैन टेक अ कैब फ्रॉम पत्थाओ। देखो यहाँ पे मैं किसी मतलब ब्रांड की मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ बट मैं आपको समझा दूँ कि पत्थाओ ऐप से आपको बहुत सस्ते मिलेगा। अगर आप लाइक लोकल जाके बात करोगे तो आपको देख लेंगे फॉरनर तो आपके साथ स्कैम कर जाएंगे जैसे रोज होता है। ठीक है तो मैं आपको पहले मतलब लाइक बताना चाहूँगा कि आपको पत्थाओ ऐप से ही बुक करना है एंड इट विल कॉस्ट मी लाइक 64 रुपीज बट ही इज टेकन 70 रुपीज फ्रॉम मी। यार हर बार काट के साले 2-3 रुपए के चक्कर में इतने पैसे ले लेते हैं। और मेरा इंस्टा नाम आ रहा होगा, इंस्टा पे फॉलो कर दो और यूट्यूब पे पीयूष सहगल ब्लॉग्स नाम से मेरा चैनल है, प्लीज गो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ये प्रजाति यहाँ पे इंडिया में विलुप्त हो चुकी है पर यहाँ पे अभी भी चल रहा है इनका। सो गाइस वी आर इनटू द फाइनल पार्ट ऑफ द वीडियो और बस यहाँ तक तो मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया है और बाकी की जो मतलब आपको अगर कुछ डिटेल समझ ही नहीं होगी तो दे कैन कमेंट डाउन इट, मैं आपको बता दूंगा आगे और क्या क्या यहाँ पे घूमने लाइक प्लेसेस है। और थैंक यू सो मच फॉर द लव यू आर गिविंग टू मी माय नेपाल ब्लॉग्स। आप लोगों के प्यार की वजह से मैं नेपाल आया हूँ। अभी अगर आप सब चाहते हो कि मैं थाईलैंड भी जाऊँ तो इस वीडियो को कम से कम 1000 लाइक्स एंड लाइक 10,000 व्यूज़ कर देना, ज़्यादा नहीं मांगा। और इसके बाद में जो वीडियोज़ आएगी वो थाईलैंड के ऊपर आएगी प्रॉपर। और आपने देखा ही होगा था मतलब थाईलैंड में भी कितनी मतलब नाइट लाइफ अच्छी है, आगे डे गार्डन्स एंड ऑल। और मैं बेसिकली यार क्लीन कंटेंट बनाना चाहता हूँ, कोई घटिया कंटेंट नहीं बनाना चाहता बाकी लोग मतलब ब्लॉगर्स की तरह, मतलब किसी को मैं मतलब पर्सनली टारगेट नहीं कर रहा हूँ बट स्टिल। सो मैं क्लीन मतलब मैं ऐसा ब्लॉग बनाना चाहता हूँ कि फैमिली भी देख सकते हैं, इसलिए मैं क्लीन प्रोजेक्ट ज़्यादा करना पसंद करता हूँ। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ देम और नमस्ते नेपाल। कोई इंसान अगर नेपाल आता है उसको समझ नहीं रहा ट्रांसपोर्टेशन का, मनी करेंसी का कुछ भी, तो मैंने अपने पूरे ब्लॉग उसके लिए स्पेशली बना के रखे हैं, आप लोग वो भी चेक कर सकते हो। ठीक है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल पीयूष सहगल ब्लॉग्स एंड इंस्टा ऑल्सो सेम नेम ryan_kapoor007। सो गो एंड फॉलो दैट आप लोग मतलब यहाँ पे लोकल हो तो मतलब आस पास नहीं रहते आप लोग को टिकट कितनी रहती है आप लोगों को लोकल टिकट कितने पड़ते हैं बताएं? 150। ओके और तो दूसरी फोन में सभी लोग नेपाली बनकर आए होते हैं। ओके सो लाइक आप लोग मतलब यहाँ पे और कुछ मेरे को सजेस्ट करोगे प्लेसेस घूमने के लिए? बहुत सारे प्लेसेस हैं आपको कौन से बात पशुपतिनाथ तो गया होगा, बात कर नहीं गया होगा और कुछ? और अब आप काठमांडू से बाहर जाएंगे तो पोखरा, हाँ पोखरा हम लोग। और आप मैंने सुना आप इंडिया से मतलब इंडिया से आए हो, अभी इंडिया में कहाँ रहते हो? दिल्ली? अरे पहाड़ गंज भी है क्या? चीफ एक तो दिल्ली ठीक लगा कि वो एरिया बेकार होगा क्या? एरिया थोड़ा होता पर दिल्ली अच्छा नोएडा गए थे ना, आइसक्रीम नोएडा। तो नेक्स्ट टाइम आएंगे तो उसका बुला देना। ठीक है थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस इंटरव्यू और कभी आओ आप लोग के लिए। तो इन सब के मैं इंस्टाग्राम नाम नीचे डाल दूंगा, इंडिया में तो टिकटॉक बैन सो टिकटॉक नहीं चलता, इंस्टाग्राम रील्स चलती है इंडिया में।
सो आप लोग कभी भी अगर इंडिया आओगे तो कॉन्टैक्ट में आप लोगों को मेरा फर्स्ट नाम मिल जाए, और मेरे इंस्टाग्राम को आप लोग भी फॉलो करो पीयूष सहगल, और इंस्टाग्राम के बाद यूट्यूब पर भी फॉलो कर देना पीयूष सहगल ब्लॉग्स। और थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर ब्रेस्ट टाइम, और आओ कभी हवेली पे। बाय। अब मैं आपको यहाँ पे गैलरी जो दिख रही है पीछे उसको शो करूँगा। बहुत अच्छी गैलरी है, कैसे गैलरी जिसे बोलते हैं, और ये बेस्ट पार्ट है यहाँ का, तो जस्ट गेट आउट। बसंत पवन ड्यूरिंग द मिड 90s, मीन्स जो मिड 90s थे ऐसे, तो ये यहाँ के शायद राजा होंगे। और ये है लोटस पॉन्ड जिसकी मैं इतनी देर से कल्पना कर रहा था। अब इतना सुंदर पॉन्ड है ये, यार क्या बताऊँ। एंड दिस इज पवेलियन, जो मैं जिसको मैं कैसल कैसल बोल रहा था, इट्स अ पवेलियन। ग्रीष्म वन ऑफ द थ्री रिमेनिंग पवेलियंस हैड बीन वर्ल्ड अप इन द 1970 टू सर्व स्टोरेज ऑफ ऑफिस। ओके, ये ऑफिस जैसा स्टोरेज था। विफर वसंता पवेलियन। तो आपने अगर नीचे इसके पूरे मतलब लाइक डिटेल्स देख ली होंगी कि मतलब इसको कौन सा बोलता है। ओके, इट्स ऑफिस एरिया, सो वी डोंट हैव टू रीच देयर। सो बेस्ट प्लेस टू विजिट इन नेपाल। तो गार्डन के बारे में थोड़ा सा और बता दूँ, ये जो मतलब पॉन्ड है ये बहुत ही है, तो ये बेस्ट मतलब यहाँ का है। अगर आप कभी भी यहाँ पे मतलब आते हो तो स्पेशली मैं बोलूँगा कि आपको आना चाहिए इस गार्डन में, और गार्डन सीरियसली बहुत अच्छा है। अगर आप यहाँ पे एक बार विज़िट करोगे तो आप भूल ही जाओगे, आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी और दुनिया में ही हो। मतलब मैं यहाँ पे इतने देर से घूम रहा हूँ पर मैं सच में बोर नहीं हो रहा हूँ। यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस बहुत सारे हैं। अरे फिर से सर, ये हमारी फ्रेंड फिर से यहाँ पर मिल गई है। बता दूँ इंडिया में टिकटॉक बैंड है, पर नेपाल में टिकटॉक बैंड नहीं है। यहाँ पे जिनके भी मतलब बहुत सारे फॉलोअर्स होंगे या कुछ होंगे, तो वो बेसिकली मतलब अपना टिकटॉक यहाँ पे चला सकते हैं। टिकटॉक नेपाल में वैलिड है। मैं अभी ये बता दूँ, जो प्रजाति हमारे यहाँ बंद हो गई है वो यहाँ पे अभी भी स्टार्ट है। विलुप्त प्रजाति अगर आपको देखनी होगी तो आप एक बार आके सच में विजिट करें। हट, यह हट बहुत ही अच्छा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। भाई 400 रुपये का पूरा मज़ा लिया तुम्हारे भाई ने, आज सच बता रहा हूँ। एक से एक आइटम छेड़ी, मतलब उन्होंने मेरे को छेड़ा, वो अलग चीज़ है। पर बहुत मतलब लाइक बहुत मज़ा आई है ब्लॉग बनाने में, और इससे अच्छा मतलब लाइक मुझे पता नहीं था कि मतलब इतना अच्छा ब्लॉग बनेगा मेरा, बट स्टिल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, और आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेके आऊँ। सो इतना घूमने के बाद चलो, अभी थोड़ा टायर्ड हो चुका हूँ, अभी जाऊँगा घर पर, और घर जाने के बाद में मैं आपको बताऊँगा कि नेक्स्ट ब्लॉग कौन सा आएगा। तो गेस कर लो अब नेक्स्ट ब्लॉग आएगा। सो हेलो गाइस, आई गॉट अ फ्रेंड हियर, सो व्हाट्स योर नेम गाइस? माय नेम इज नादिना। योर? माय नेम इज अंजना। अंजना योर? माय नेम इज पानू। पानू? सोनू। इट्स सोनू। यस, सोनू। यू कैन कॉल मी सोनू। आई डोंट नो व्हाई शी पुट अप मास्क, आई थिंक कोरोना इज हियर। नहीं, दे आर लाइक कैमरा शाय, सो ओके। Guys, you are looking so cute, so why you are like... You're not like used to with cameras. Okay, but you make TikTok. Yeah, we make TikTok, but we are not we do like vlogs and videos, so... Okay, so it's your first vlog, I guess. Definitely. In Nepal, there are lots of places, I guess, to explore. Yes, definitely. So can you suggest me some of them? Like, do you prefer inside Valley or outside the Valley? Outside Kathmandu or inside Valley? Inside Kathmandu. Inside Kathmandu, so first
we search into Pashupatinath temple. Pashupatinath temple. Pashupatinath. Second, we saw just Swaminathan temple. Pashupatinath icon. Yeah, I go to Pashupatinath temple. I go to Darbar Square. Okay, Darbar Square. Yes. But I don't go to the Manki temple. Manki temple. Manki temple and what? Bodhanath. Bodhanath. Yes. Bodhanath stupa. What is the Bodhi stupa? Bodhi stupa. Yes, it's a huge stupa. This place is actually good, beautiful, but I saw the couples, there are so many couples. Okay, yeah. Obviously. Yeah, kind of. They have a good time, quality time. Quality time. Spend the in India, we like Balut Jan there. Family and rooms are tourist rooms. But it's a nice tourist destination, I think. Yes, definitely. It's near Tamil area also, so I think I don't think so. The girls have interviewing first time. They're look at their face. No, no, we're not like it's definitely. The girl is telling, I'm so shy. Camera, now look at her. She's talking a lot. So thank you so much, girls, for giving us interview and want to give any messages to Indians. It was pleasure meeting to you, obviously. Thank you. So it was an amazing conversation we had just now, and we love you, India. We'll surely visit India someday. Yeah, whenever you give me interview for that, I will give you a favor. Whenever you come to India, I stay in Mumbai. You know Mumbai? Yes, yes, obviously Mumbai. Yeah, whenever you girls come there, then you can, if you want to explore the things, you can call me. I can help definitely you as a guide there. Definitely, we will love to. Yeah, see ya, bye. Bye-bye. And yeah, main thing, please tell to my followers to go like, share and subscribe to obviously yeah, definitely go please to his channel. Please channel. Like his video, subscribe, comment, share. Piyush Sehgal, my channel name, Piyush Sehgal Vlogs. Piyush Sehgal Vlogs, subscribe. Thank you.